हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों तो आज हम डोसा सांभर बनाने जा रहे हैं। तो आज मैं डोसा सांभर की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए इसके लिए मैंने कैसे कैसे लिया है ये सब, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसी कप से मैंने, आप देख सकते हैं ये कप है, इसी कप से मैंने 3 कप चावल लिया है। आप देख सकते हैं ये चावल है, नॉर्मली चावल है। आप चाहें इसकी जगह डोसा राइस भी आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो ये और 1 कप मैंने ये उड़द दाल लिए हैं। जिस कप से हमने चावल नापा था उसी कप से हम उड़द दाल भी लिए हैं 1 कप। तो ये धुली वाली उड़द दाल है, आप देख सकते हैं। तो ये 1 कप उड़द दाल है। ये 1/2 कप चना दाल है। चना दाल से डोसा बैटर हमारा चिपकता नहीं है और खाने में भी टेस्टी लगता है और कुरकुरा भी बनता है। और ये 1 चम्मच मेथी दाना है। मेथी दाना से डोसे में हमारे फ्लेवर आता है अच्छा। तो अब इन सभी को हम मिला के इसे अच्छे से धो लेंगे। सभी चीज़ों को, दाल और चावलों को, सब चीज़ों को अच्छे तरह से हम धो लेंगे और इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे और फिर इसके बाद हम इसे पीसेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैंने पहले ही भिगा के रख लिए थे, तो ये 4 से 5 घंटे हो गए इसे भीगे हुए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं सभी तरह अच्छे से फूल चुके हैं। दाल, मेथी दाना, चना का दाल सब फूल चुका है अच्छे से। चावल में दिखा देती हूँ आपको, आप देख सकते हैं। तो इन सभी को पानी हम निकाल लेंगे और इसे हम मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो इसे मैंने पानी में से निकाल के जार में डाल लिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे पीस लेंगे। तो सबसे पहले मैं दाल को पीसूँगी। अभी मत चालू, बंद करो। तो देख सकते हैं दोस्तों, दाल को हमने पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने पेस्ट बना लिया है दाल का। तो इसी तरह हम सभी को पीस लेंगे। तो इसे हम निकाल लेते हैं जार में से अब। तो देख सकते हैं दोस्तों, दाल को हमने पीस लिया है। तब हम चावल पीसेंगे। तो आप चाहें दोनों साथ में ही पीस सकते हैं, तो मैं अलग अलग पीस रही हूँ। तो दोस्तों चावल को देखिए मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है चावल का। तो इसी तरह हमें चावल को पीसना है। तो दोस्तों चावल और दाल मैंने पीस लिया है, तो आप देख सकते हैं इसका मैंने अच्छे से इसका स्मूथ सा बैटर बना लिया है, देख सकते हैं। तो अब इन सभी को हम हाथों से मिक्स करके अच्छे से इसे फेंटेंगे ताकि हमारा ये डोसा का बैटर अच्छे से फर्मेट हो जाए। तो इसी तरह हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है ताकि बैटर में हमारे अच्छे से हवा भर जाए और डोसा हमारे अच्छे से फूल जाए, डोसे का बैटर। तो हाथों से ही फेंटिएगा, चम्मच से नहीं, हाथ से फेंटोगे तो कि गर्माहट बैटर में अच्छे से आएगी और अच्छे से फूल भी जाएगा ये। तो दोस्तों डोसा बैटर में अच्छे से मैंने फेंट लिया है। तो देख सकते हैं इसमें बिल्कुल मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, इसमें हवा एकदम भर गया है फेंटते में। तो मैं इसमें ढक्कन लगा के रख दूंगी इसे पूरी रात के लिए। तो इसे पूरी रात के लिए रखना है ताकि अच्छे से ये डोसा बैटर हमारा अच्छे से फर्मेंट हो जाए और फूल जाए अच्छे से। तो इसमें मैं ढक्कन लगा देती हूँ।
आप इस बैटर को ऐसी जगह रखिए जहाँ गर्म हो। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इसे किचन में रखिए और पूरी रात के लिए, रात भर में ये अच्छे से बैटर फूल जाएगा। तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी कि मेरा किस तरह बैटर, मेरा डोसे का बैटर बना है। तो अगर आप इसे ठंडी में भी बना रहे हो डोसे को, तो आप इसको इसमें तौलिया लपेट के बर्तन में तब आप इसे रख सकते हैं। कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए ये आराम से फूल जाएगा डोसा बैटर। गर्मियों में तो आराम से फूल जाता है, ठंडी में थोड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए, तो डोसा बैटर हमारा फूलता है, तब हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, डोसे का बैटर हमारा अच्छे से फूल चुका है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से खमीर इसमें उठ चुका है, निकल चुका है। देखिए कितने अच्छे से फूल चुका है डोसे का बैटर। तो ये डोसे का बैटर हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए, जब तक हम इसे रख देते हैं, तो जब तक हम सांभर की तैयारी करते हैं। सांभर के लिए मैंने देखिए क्या क्या निकाला है। दोस्तों, सांभर के लिए मैंने देखिए ये एक कटोरी दाल है, अरहर की दाल है ये। इसे मैं अच्छे से साफ करके दाल को और कुकर में रख दूँगी। कम से कम 2 से 3 सीटी इसमें आने देंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए सांभर के लिए मैंने इसमें ये लिए हैं, ये कद्दू है, ये 100 ग्राम कद्दू है, 100 ग्राम ये घी लौकी है, इसका भी छिलका मैंने हटा दिया है, और ये 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज हैं, इसे मैंने लंबे लंबे स्लाइस से काट लिए हैं। तो चलिए, जब तक मैं दाल को अच्छे से धो के कुकर में डाल के रख देती हूँ। तो दोस्तों, दाल मैंने धो के अच्छे से कुकर में डाल दिए हैं। इसमें मैंने लगभग 3 गिलास पानी डाला है दाल में। तो स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। आधा चम्मच हल्दी। तो चलिए दोस्तों, इसमें ढक्कन लगा के हम रख देते हैं गैस पे। तो चलिए दोस्तों, जब तक हमारे दाल पकता है, तब तक हम दाल के लिए मसाला बना लेते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। तो इसमें दो बड़े चम्मच तेल डाल दिया मैंने। तो तेल को हम गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं 1 चम्मच राई डाल दूंगी। तो राई को हम तड़कने देंगे। आधा चम्मच जीरा, साथ ही 3 लाल मिर्च खड़ी, और ये 1 चम्मच उड़द दाल है, 1 चम्मच चना दाल, इसी को भी हम तड़के में ही डालेंगे। तो इन सभी को हम अच्छे से भूनेंगे। साथ ही थोड़े से कड़ी पत्ते हैं। ये 3 से 4 हरी मिर्च जिनसे मैंने बीच में से काट के बड़े बड़े काट लिए हैं। प्याज भी डाल देंगे साथ में। और प्याज को हमें 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। जब तक भूनना है तब तक प्याज में हमारे हल्का गुलाबी कलर का ना होगा। तो प्याज का हमारा हल्का कलर चेंज हो गया है, देख सकते हैं। तो वैसे इसी तरह हमें चाहिए प्याज का। तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे, ये 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बाकी ये जो सब्जी हमने काट के रखी है, इसे भी डाल देंगे। आप अपने पसंद की सब्जियां इसमें डाल सकते हैं।
अब इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी डालूंगी। एक चम्मच लाल मिर्च, साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। और दोस्तों ये सांभर मसाला है, तो ये मैंने 2 चम्मच सांभर मसाला लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक, कभी कभी तो हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें हम 1 गिलास पानी डाल के इसे ढक के रख देंगे 10 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि सब्जी हमारी सॉफ्ट ना हो जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, सब्जी हमारी अच्छे से गल चुकी है। दाल भी हमारा अच्छे से गल चुका है, देख सकते हैं। इसे डाल देते हैं कढ़ाई में। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है देखने में, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है ये सांभर। इसमें हम इमली का पल्प डालेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये इमली का पल्प है, इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगा के रख दिया था पानी में अच्छे से धो के। तो इसको फिर मैंने हाथों से मैश करके इसका पल्प निकाल लिया है। तो इसे हम सांभर में डालेंगे। लगभग 2 से 3 चम्मच इसमें हम डाल देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इमली का पल्प इसमें मैंने डाल दिया था और दाल को मैंने 1 उबाल आने दिया इसमें। तो अब सांभर हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे ढक के रख देते हैं। तो दोस्तों चलिए, आलू के हम डोसे के लिए हम आलू का मसाला बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने ये 5 से 6 7 आलू हैं ये मीडियम साइज के। तो इसे मैंने उबाल लिया है, अच्छे से छील के रख लिया है। देखिए, अब इसमें हाथों से मैं इसे मैश कर लूँगी इस तरह से। सभी को इस तरह से, आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम सभी आलू को फोड़ लेंगे। तो मैंने सभी आलू को अच्छे से फोड़ लिया है। तो इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है कढ़ाई में, तो तेल हमारा गर्म हो गया है। तो साथ ही ये 1 चम्मच राई है, इसे डाल देंगे। 2 लाल मिर्च, 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच चना दाल। अब इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। थोड़े से कड़ी पत्ते,
ये एक चम्मच मूंगफली है, इसका छिलका मैंने उतार लिया है। साथ ही मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इसे मैंने स्लाइस करके काट लिए लंबे लंबे, इसे भी इसमें डाल देंगे। प्याज को हमें हल्का गुलाबी कलर लाना है, बस जब तक भुनना है, जब तक हमारा प्याज ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो प्याज को हमें बस सिर्फ सॉफ्ट करना है और हल्का गुलाबी कलर आना है लाना है इसमें। तो प्याज का हल्का कलर आ चुका है, तो इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे। दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, काट लिए मैंने। तो टमाटर को हमें सॉफ्ट करना है, तो एक से दो मिनट के लिए हम टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। साथ ही एक चम्मच हल्दी डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च। तो दोस्तों अब इसमें आलू डाल देंगे हम ये, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं इसमें आलू में। तो आलू का मसाला हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं कढ़ाई में सर। तो दोस्तों चलिए डोसा बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं डोसे का बैटर अभी गाढ़ा है, तो इसमें हम पानी डालेंगे। तो लगभग थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। तो पानी डाल दिया हमने, इसे अब अच्छे से इसे फेंट देंगे। तो साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डाल के अच्छे से इसे फेंट लेंगे फिर से। तो चलिए डोसे का बैटर बिल्कुल बन के रेडी है, तो चलिए अब बनाते हैं डोसा का। तो दोस्तों मैंने गैस पे तावा रख दिया है गर्म होने के लिए, तो ये वो तावा है जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ, तो मैं इसी पे ही बनाऊंगी डोसे को आज। तावा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा तावे को हम ठंडा कर लेंगे पानी डाल के। इस तरह से छिटका देंगे पानी का, और तावा हमारा अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और कपड़े को इस तरह से हम पोंछ देंगे, और अब हम बैटर को, तो बैटर को हम इस तरह से डाल के इस तरह से सर्कल की तरह हम घुमाते रहेंगे। तो गैस को हम धीमा कर देंगे, ऊपर ऊपर से हमारा ये डोसा पक चुका है, तो गैस को हम धीमा कर देंगे, और इसमें हम रिफाइंड डालेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम फैला देंगे। देख सकते हैं कितना आराम से ये फूल रहा है ये। तो ऊपर से डोसा हमारा अच्छे से पक चुका है, तब इसमें हम आलू का डालेंगे जो हमने डोसा के लिए बना के रखा था। इस तरह हम फैला देंगे आलू को इस पर। तब इसे हम चारों तरफ से अच्छे से निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितने आराम से निकल जा रहा है ये। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है डोसे का। तो
डोसा अच्छे से निकल चुका है तवे पे से, तो मैं आप निकाल के दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में बहुत ही कुरकुरा लगेगा यार डोसा। तो देख सकते हैं दोस्तों डोसा हमारा सभी बन चुका है, तो बन के बिल्कुल रेडी है। तो देखिए मैंने इसमें सांभर निकाल लिया कटोरी में, ये मूंगफली के दाने की चटनी है, तो इसमें मैंने मूंगफली का दाना लिया है और हरी मिर्च लहसुन अदरक इसको मैंने पीस लिया है, और फिर इसके बाद तड़का लगा लिया है करी पत्ते से राई डाल के। और देख सकते हैं मैंने डोसा ही बना लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर की फीलिंग, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं सांभर कितना अच्छा दिख रहा है देखने में, और ये मैंने इसकी चटनी बनाई है मूंगफली के दाने की। तो चलिए, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।